दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी इज आवर बेस्ट फ्रेंड एज वेल एज वर्स्ट एनिमी। वर्स्ट एनिमी इसलिए दोस्तों कि जब भी हम इसे मौका देते ये हमारी जान भी ले सकता है। बचपन से लेकर आज तक दोस्तों हमने थ्री पिन प्लग का देखा जरूर है और यूज भी करते आ रहे हैं। हमारे घरों में जितने भी सिंगल फेज अप्लायंसेस होते हैं उनके पावर सप्लाई केबल में थ्री पिन प्लग टॉप जरूर होता है। तो दोस्तों क्या कभी हमने सोचा है कि उसका जो अर्थ पिन है वो बाकी दो पिन से यानी कि फेज एंड न्यूट्रल से लॉन्गर एंड थिकर क्यों होता है, यानी कि लंबा और मोटा क्यों होता है? नहीं ना। तो चलो दोस्तों हम आपको आज बताते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी यूजफुल है उन लोगों के लिए जो कि इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की पढ़ाई कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूँ आपका आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है व्हाई अर्थ पिन इज लॉन्गर एंड थिकर इन थ्री पिन प्लग टॉप। दोस्तों अगर इसका एक लाइन में जवाब देना हो तो इट्स ऑल अबाउट सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, यानी कि ये सारा चीज सुरक्षा और संरक्षण के संबंधित है। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जो कि मेटल बॉडी से बने हुए हैं उनको हमेशा प्रॉपरली अर्थ एंड ग्राउंड किया जाता है। इसके पीछे जो रीज़न है दोस्तों उसका भी एक लॉजिक है। मान लो अगर कोई केस में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कोई लाइन वायर अप्लायंसेस के मेटल बॉडी को टच हो रही हो, मे बी ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और कोई लीकेज करंट अप्लायंसेस के अंदर मौजूद हो, और अगर गलती से कोई उस मेटेलिक बॉडी को टच करता है तो करंट विल स्टार्ट फ्लो थ्रू ह्यूमन बॉडी टू द अर्थ। उस केस को दोस्तों हम इलेक्ट्रिकल शॉक कहते हैं। इसलिए दोस्तों अर्थिंग करना जरूरी है ताकि शॉक न लगे। दोस्तों अगर आप ध्यान से थ्री पिन प्लग टॉप देखोगे तो उसका जो अर्थ पिन है वो बाकी टू टर्मिनल यानी फेज एंड न्यूट्रल से लॉन्गर होता है। उसका डिज़ाइन दोस्तों इसलिए ऐसा नहीं किया जाता है कि मैन्युफैक्चरर के पास ज़्यादा पैसा है या फिर कुछ लुक वाइज अच्छा दिख रहा हो, बल्कि वो इसलिए किया जाता है कि मान लो अगर आप थ्री पिन प्लग टॉप वॉल सॉकेट से पावर सप्लाई के लिए कनेक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले जो है थ्री पिन प्लग टॉप का अर्थ पिन जो है वो वॉल सॉकेट के अर्थ पिन से कनेक्ट हो जाए, और जब भी आप थ्री पिन प्लग टॉप वॉल सॉकेट से रिमूव करोगे तो सबसे लास्ट जो है थ्री पिन प्लग टॉप का अर्थ पिन जो है वॉल सॉकेट से सबसे लास्ट डिस्कनेक्ट हो जाए। वो इसलिए किया जाता है दोस्तों कि अगर मान लो कोई केस में अप्लायंसेस के अंदर लीकेज करंट मौजूद हो तो वो जो लीकेज करंट है वो अर्थ थ्रू सबसे पहले ग्राउंड हो जाए और हम उस केस में इलेक्ट्रिकल शॉक से बच सके। तो दोस्तों इसलिए थ्री पिन प्लग टॉप का जो अर्थ पिन है वो लॉन्गर बनाया जाता है बाकी टू टर्मिनल से, यानी कि फेज एंड न्यूट्रल से लॉन्गर होता है। दूसरा कारण दोस्तों ये है कि अगर आप मॉडर्न थ्री पिन वॉल सॉकेट देखोगे तो उसमें आपको सेफ्टी शटर दिखेंगे जो कि लाइन एंड न्यूट्रल पर होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों स्मॉल किड जो है वो खेलते खेलते उस सॉकेट को टच करते हैं। उस केस में अगर गलती से बच्चे की फिंगर अगर लाइन टर्मिनल को टच करती है तो उसे शॉक लगने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए शटर जो है लाइन एंड न्यूट्रल को हमेशा क्लोज रखते हैं ताकि शॉक ना लगे। दोस्तों मॉडर्न सॉकेट का डिज़ाइन कुछ इस तरह से किया जाता है कि जब भी आप प्लग इंसर्ट करते हो तो लॉन्गर अर्थ पिन की वजह से क्या होता है लाइन एंड न्यूट्रल के जो शटर से वो डाउन हो जाते हैं और प्लग का कॉन्टैक्ट सॉकेट से हो जाता है। दोस्तों अब हमें पता चला कि थ्री पिन प्लग टॉप का जो अर्थ पिन है वो बाकी टू टर्मिनल यानी फेज एंड न्यूट्रल से लंबा क्यों होता है। तो चलो अब समझ कर लेते हैं कि अर्थ पिन जो है वो बाकी टू टर्मिनल यानी फेज एंड न्यूट्रल से मोटा क्यों होता है। पहला कारण जो है दोस्तों वो हम थ्री पिन प्लग टॉप के निर्माण से समझ कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप ध्यान से थ्री पिन वॉल सॉकेट देखोगे तो उसमें जो फेज एंड न्यूट्रल का जो ओपनिंग है एज कम्पेयर टू अर्थिंग का जो ओपनिंग है वो स्मॉल है। तो आप चाहकर भी जो है अर्थ टर्मिनल जो है थ्री पिन प्लग टॉप का वो चाहकर भी आप फेज एंड न्यूट्रल में नहीं कनेक्ट कर सकते। तो दोस्तों इट इज डिजाइन सो टू अवॉइड रॉन्ग वे टू ऑपरेट थ्री पिन प्लग टॉप। दूसरा और महत्वपूर्ण कारण दोस्तों प्रतिरोध के नियम की वजह से है। वो ऐसी कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, दिस इज द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पर दोस्तों R जो है वो है रेजिस्टेंस, रो जो है वो है रेजिस्टिविटी, L जो है वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर और A जो है वो है एरिया ऑफ कंडक्टर। दोस्तों अगर हम ध्यान से लॉ ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे तो हमें पता चलता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी कि दोस्तों कंडक्टर का एरिया अगर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और जैसे कि दोस्तों हमें पता है करंट ऑलवेज फ्लो थ्रू पाथ ऑफ लो रेजिस्टेंस, तो दोस्तों अर्थ पिन जो है थिकर इसलिए बनाई जाती है कि इट शुड ऑफर लो रेजिस्टेंस पाथ टू द लीकेज करंट। तो अगर अप्लायंसेस के अंदर मान लो कोई लीकेज करंट मौजूद हो तो लीकेज करंट अर्थ थ्रू ग्राउंड हो जाएगा और उस केस में हमें दोस्तों शॉक नहीं लगेगा। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।